हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 23 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज। पहली जो न्यूज आई है यहाँ पे वो आई है वर्ल्ड लेड प्रिवेंशन वीक के बारे में। तो क्या है ये हम देख लेते हैं। देखो, अभी रिसेंटली हम आपको बताऊं कि 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वर्ल्ड लेड प्रिवेंशन वीक है वो चलाया जा रहा है। इस वीक में क्या होगा, क्या इस रिपोर्ट्स पे इफेक्ट हैं, वो हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले लेते हैं। जो जो लेड होता है ना, इसके जो कंटेमिनेशन की मात्रा हो या फिर इसकी जो कंसंट्रेशन होती हो कि भाई कौन सी चीज़ में कितना मिला हुआ है, इसकी मात्रा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट द्वारा अप्रूवल दी हुई है कि भाई इससे ज़्यादा आप लेड है वो किसी दवाई का मिलने, सॉरी यहाँ कोई भी जो चीज़ है इसमें आप नहीं मिला सकते हो। मेनली हम ये देखते हैं कि लेड का यूज कहाँ पे होता है। तो जो लेड है इसका यूज होता है ऑयल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा। ऑयल इंडस्ट्री में जो ऑयल है इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी शाइनिंग है वो बढ़ाने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लेड का यूज है वो किया जाता है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसकी गाइडलाइन ये है कि भाई आप 90 PPM तक ही लेड को मिला सकते हो। जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पेंट वगैरह की जो कंपनी है वो 90 PPM से ज़्यादा लेड को नहीं मिला सकती। बट अभी रिसेंटली एक ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्टडी की गई है तो लगभग मैक्सिमम सैंपल ऐसे सामने आए जहाँ पे लेड की जो मात्रा थी 90 PPM से ज़्यादा यूज है वो की गई है। तो देखो, लेड से काफ़ी सारे खतरे हो जाते हैं। कौन से टाइप के खतरे हैं एक बार हम वो यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर हम खतरों की बात करें तो एक तो ये जो ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, इसको डैमेज कर देती हैं अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो। अब ये कंज्यूम कैसे होता है, क्योंकि देखो जब ये केमिकल वगैरह है वो अब किसी रिवर वगैरह के थ्रू, नदी नदी वगैरह के थ्रू ओशन में जाते हैं और फिर वहाँ से ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो सकता है, या और भी बहुत सारे मेथड होते हैं कि फूड चेन में एंट्री करके ये हमारी हेल्थ तक पहुँचता है और फिर इससे काफ़ी सारे खतरनाक इशू सामने आते हैं। एनीमिया हो सकता है, इसी के साथ किडनी डैमेज है, हाइपर टेंशन है, ऐसे इश्यूज इसके कंज्यूम से देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि लेड है ये क्या क्या है, किस तरीके से है। जैसा मैंने आपको बताया कि लेड का जो मेनली बड़े स्तर पे जो यूज है वो ऑयल इंडस्ट्री, सॉरी यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री है वो ज़्यादा करती है। क्यों? ताकि पेंट का कलर है वो बना रहे, अच्छी शाइनिंग रहे, जंग वगैरह है वो कम आ सके और जो सूखने का टाइम हो वो जल्दी से सूख जाए, इसके लिए लेड का यूज है वो किया जाता है। अब देखो, एक कन्वेंशन भी है, वो है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन किस लिए आई थी? बेसल कन्वेंशन आई थी 1989 में। ये इसलिए आई थी कि भाई जो भी हजार्डस वेस्ट है ना, इसको आप डिस्पोजल कर रहे हो ना हर कंट्री के लिए, मतलब जो भी कंट्रीज की सिग्नेटरी है उसके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल होती हैं कि भाई आप जो भी हजार्डस वेस्ट है ना इसको आप खुद मैनेज करोगे, इसको डिकम्पोज करने के लिए या इसको सही ढंग से ठिकाने लगाने के लिए। देखो, होता क्या था 1989 से पहले तक कि जो डेवलप कंट्री थी ना, US, UK जैसी कंट्रीज, ये क्या करती थी कि जो खतरनाक केमिकल या जहरीली चीजें होती हैं, जैसे कि ई वेस्ट हो गया काफी खतरनाक, या फिर से लेज जैसी चीजों का जो बचा हुआ कचरा है, इस कचरे को क्या करती थी कि जो गरीब कंट्री है उनके समुद्र के आसपास फेंक देती थी। तो इससे काफी सारे सीरियस हेल्थ इश्यू सामने उभर के आ रहे थे। इसीलिए लेट जो यहाँ पे बेसल कन्वेंशन लाई गई ताकि जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट हो रहा है हैजार्डस वेस्ट का और उसके डिस्पोजल का, इसको सही ढंग से उसी कंट्री की जिम्मेदारी है कि वो ठिकाने लगाए, ना कि किसी दूसरी कंट्री के पास फेंके। तो लेड है वो भी एक हैजार्डस के मटेरियल में ही आता है, तो इसलिए कन्वेंशन थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। इस रिपोर्ट न्यूज में और क्या कहता है, इसमें बस यही था कि भाई जो लेड की कंसंट्रेशन है वो है उसको कंट्रोल करना है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना कि ये जो लेड प्रिवेंशन वीक है या फिर जो लेड कंसंट्रेशन आइटम की जो पेंट के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, कि यूनाइटेड नेशन का जो UNEP है इसके द्वारा पब्लिश है वो की गई है। तो इसी को लेके कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। फिर एक छोटा सा फैक्ट ये था कि जो सबसे ज्यादा लेड की वजह से जो बर्डन हो रहा है वो देखने को मिल रहा है मिडिल इनकम कंट्रीज में, और जो लो इनकम यानी कि जो गरीब कंट्री हैं, डेवलपिंग में भी काफ़ी नीचे हैं, पिछड़ी हुई हैं, उन कंट्रीज में लेड की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, NCRB। न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ ये आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने 2017 के ईयर का जो क्राइम स्टैटिक्स जो डाटा है, आंकड़ा है, वो सारा अभी रिलीज किया है। यानी कि 2017 के इसमें में क्या, किस तरह के क्राइम थे, कौन कौन से थे, क्या क्राइम ज़्यादा थे वगैरह की रिपोर्ट सारी पब्लिश यहाँ पे की गई है। तो देखो, रिपोर्ट्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो हम कुछ मेन पॉइंट को यहाँ पे बाहर निकाल के देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वुमेन सेफ्टी। तो वुमेन सेफ्टी को लेकर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल,
ये सबसे अनसेफ एरिया है वुमेन के लिए, यानी कि सबसे अनसेफ है वो उत्तर प्रदेश, इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में वेस्ट बंगाल। और एक फैक्ट इसमें यह भी था कि सबसे ज्यादा जो अपहरण है बच्चों के वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही रियोट्स, रियोट्स केस का मतलब जो दंगे वगैरह होते हैं, दंगे फसाद, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो दंगे हैं वो कम्युनल टाइप के दंगे, यानी कि सांप्रदायिक दंगे हैं, वो ज्यादा देखने को मिले हैं। और ये कहाँ पे हुए हैं, इनके केसेस की संख्या है लगभग 58,800 सी, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये पता हो कि जो कम्युनल टाइप के और तरह के जो दंगे हैं सबसे ज्यादा देखने को हमें मिले हैं यहाँ पे बिहार और यूपी, ये आपको ध्यान में, सबसे ज्यादा बिहार में हुए हैं, इसके बाद में यूपी में केसेस देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हम बात करें एक तरीके के मर्डर केस हैं यूनियन टेरिटरी में, वो दिल्ली में देखने को हमें मिले हैं 2017 के ईयर में। इसी के साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड की गई है, वो है फेक न्यूज। 2017 की जो एक रिपोर्ट जारी की गई है इसमें फेक न्यूज को भी इंक्लूड है, वो किया गया है। और उसमें यह आंकड़ा सामने आया है कि जो मैक्सिमम फेक रिपोर्ट के केस हैं वो मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। तो ये एक नए तरीके का डाटा है वो इसमें ऐड है, वो यहाँ पे किया गया है। इसी के साथ एक नया फैक्ट इसमें ये भी था, वो ये था कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के कैटेगरी भी एक नई कैटेगरी डेवलप की गई थी। इनकी एंटी नेशनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके आधार पे ये पता चला है कि सबसे ज्यादा जो ऑफेंस है एंटी नेशनल एलिमेंट के तौर पे, यानी कि देश के अगेंस्ट आप बोल सकते हो या फिर देश का माहौल खराब करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ऊपर आया नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। इसके बाद में नंबर आया है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का। इसके बाद में टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं जैसे कि जिहादी है या और भी एलिमेंट्स वगैरह हैं, ये है थर्ड नंबर पे। और सबसे ज्यादा जो हत्याएं वगैरह हुई हैं, किलिंग वगैरह हुई हैं, वो देखने को मिली है हमें छत्तीसगढ़ में। और बात करें हम वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम की, तो देखो 2015 से 17 के बीच में आप देखोगे तो क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस रेट से 2015 से 16 के बीच में बढ़े हैं उससे कई गुना रेट से 2016 से 17 में क्राइम है वुमेन्स के अगेंस्ट बढ़ते देखने को यहाँ पे मिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्राइम है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और काफी सीरियस कंसर्न है वुमेन के अगेंस्ट, वो हमें नोट करने यहाँ पे चाहिए। देखो इसमें ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट भी दिया गया है, आप देख सकते हो कि स्कोर दिया गया है लगभग 44 से लेके 1050 के बीच में यहाँ पे स्कोर है, क्राइम्स हैं वो काउंटर किए गए हैं। सबसे ज्यादा क्राइम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे दिल्ली वाले एरिया में, इसी के साथ ही अदर स्टेट में तमिलनाडु में भी क्राइम है, केरला में भी है। तो ये आप कुछ फैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है टेक सागर के बारे में। देखो टेक सागर है वो एक नेशनल रिपोजिटरी है जो कि हमारे देश की साइबर कैपेबिलिटीज कहती हैं, कैसी हमारी साइबर एरिया, साइबर जो सेक्टर है इसमें हमारी स्पेशलिटी है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं उसके लिए इसको तैयार है वो किया गया है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो यह एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, अलग तरीके की वेबसाइट टाइप का एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको देखेगा कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है और कितनी हमारी कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी के एरिया में, कितनी हमारी पोटेंशियल है। ये लॉन्च किया गया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और इसी के साथ ही डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेस्कॉम जो इंडस्ट्रीज ग्रुप है, जो कि मैंने सॉफ्टवेयर टाइप की कंपनीज का ग्रुप है नेस्कॉम, इसके द्वारा इसको तैयार है वो किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना कि नेस्कॉम के द्वारा डीएससीआई को तैयार किया गया था और डीएससीआई और एनसीएससी की कोऑर्डिनेशन से टेक सागर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। देखो जो मेन हम बात करें यहाँ पे रिसर्च वाले टेक्नोलॉजी एरिया जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, मशीन लर्निंग हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुई, क्लाउड्स एंड वर्चुअलाइजेशन हुआ, रोबोटिक्स हुई, ऑटोमेशन हुआ, ईआर वीआर हुआ, वायरलेस एंड नेटवर्किंग हुआ, तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं इसमें इंडिया की कैपेबिलिटी कैसी है, कैसे इंडिया और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से इंडिया के पास अच्छे पॉइंट्स हैं, कहाँ पे इंडिया कमजोर है, किस तरीके से इंडिया को और आगे फ्यूचर में काम करना है, ये सारे पॉइंट्स की यहाँ पे स्टडी है वो की जाएगी। फायदा क्या होगा इसका, इसकी देखो सिग्निफिकेंस ये है कि एक अपॉर्चुनिटी तैयार होगी बिजनेस और एकेडमिक के लिए ताकि वो आपस में कोलाबरेशन कर सकें और जिन एरिया में इंडिया पीछे है या आप जहाँ पे आप ब्लेक कर रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है और इनोवेशन है वो आएगी, तो फ्यूचर में हमें काफी इसका फायदा है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। देखो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो 2001 में बनाई गई थी। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब इंडिया ने लगभग 1986 वाला जो टाइम पीरियड था
इसमें इंडिया ने काफी बाहर से वेपन्स वगैरह खरीदे थे, तो बहुत सारे घोटाले करप्शन के केसेस वगैरह लगे थे। इवन आज भी जैसे राफेल को लेके लगते हैं कि भाई कम से घोटाला वगैरह हुआ है, नहीं करप्शन हुआ है। तो ऐसे काफी, जैसे कई बार क्या होता था कि कोई भी चीज परचेज करनी होती थी बाहर से और उसमें काफी लेट हो जाता था क्योंकि करप्शन वगैरह के चार्जेस लग जाते थे। अब ना ही कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होती थी कि भाई इस मैकेनिज्म से आप बाहर से वेपन्स वगैरह वो ला सकते हो। इसीलिए क्या हुआ, एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का निर्माण किया गया 2001 में, जिसका काम ये था कि भाई मिलिट्री में तीन चीजें आप यहाँ पे देख लो, एक साइड तो आ गई आर्मी, एक साइड नेवी और एक साइड आ गई एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को कि जिस भी टाइप के इक्विपमेंट चाहिए हो और जिसकी ज्यादा जरूरत हो, कौन सा पहले खरीदना है, ये सारा डिसाइड करने का सारा काम है, वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। यानी कि हमारे देश के अंदर जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट हमें एक तरीके से बाहर से परचेज करने हैं, उनकी क्या क्या प्रोसीजर रहेगी, किस तरीके का बजट वगैरह उनके लिए है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कितने टाइम में वो आएंगे, ये सारा काम है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा किया जाता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसके हेड होते हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अभी ये न्यूज में आई है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव के बारे में। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भैया डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव क्या है इंडिया का। देखो आप जानते हो कि अगर इंडिया कोई भी अपनी पार्टनर कंट्री के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसके लिए कोई भी डील वगैरह करता है और कोई भी उसको प्रोक्योरमेंट करनी होती है तो काफ़ी टाइम लगता है वैसे, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है वो फॉलो करनी होती है और भी काफ़ी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं नौकरशाही के अलावा भी। तो उन सारी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने में और चीज़ों को प्रोक्योर करने में काफ़ी टाइम है वो लग जाता है, इसीलिए कई बार मामला काफ़ी पेचीदा भी हो जाता है। अब इसका एक नया सोल्यूशन ये निकाला गया है कि भाई जो पार्टनर कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो आपस में एक्सचेंज कर रहा हो, या फिर इंडिया वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी ले रहा हो या उनको कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है, ऐसे मामलों में डायरेक्टली इंगेजमेंट है वो की जाएगी। यानी कि दोनों कंट्रीज आपस में ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर और लीगल रिक्वायरमेंट को साइड करके आपस में डायरेक्टली आप इंगेज हैं वो करेंगी, ताकि ये बाधा वगैरह जो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी चीज़ें हैं ये दूर हो सकें। तो अभी रिसेंटली यूएसए को लेकर न्यूज आई है कि इंडिया है वो यूएसए के जो सीनियर लेवल के ओवरसाइट्स हैं उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ा रहा है, ताकि जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह आप इंडिया को प्रोक्योर करने हो, बाहर से खरीदने वगैरह हो, वो इजिली जल्दी हो सके और ये प्रोसीजर है वो शॉर्ट टाइम में कम्प्लीट हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, USISPF। देखो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि इंडिया और यूएसए के बायोलेटरल और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशन हैं इनको इम्प्रूव किया जा सके। किस एरिया में? इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू, इसी के साथ ही हम बात करें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के, इनोवेशन के एरिया में और एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में के लिए फॉर्म है, वो काम है वो करता है। तो ये ध्यान रखना है कि नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया यूएसए के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड इनोवेशन के एरिया में काम है वो करता है। नेक्स्ट एक न्यूज थी वो थी पाम ऑयल इंपोर्ट को लेके। देखो इंडिया में जो भी ईडब्ल्यू ऑयल का मतलब जो भी खाने लायक ऑयल होता है जिसका हम खाने में यूज करते हैं, उसका मैक्सिमम जो इंपोर्ट है वो हम मलेशिया से करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया से भी कौन सा, पाम ऑयल, यानी कि जो पाम वाला ऑयल है वो इंडिया मैक्सिमली बाहर से करता है। लगभग 9 मिलियन टन इंडिया हर साल देखा जाए तो पाम ऑयल का इम्पोर्ट करता है, और उस 9 मिलियन टन में से 3 से 3.5 मिलियन टन के आसपास तो इंडिया अकेला यूएसए, सॉरी जो यहाँ पे मलेशिया है, इसी से इंपोर्ट है वो करता है। बट अभी आपको बताया कि मलेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया, किस एरिया में, आर्टिकल 370 के एरिया में, तो इसीलिए ये बात इंडिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इंडिया ने मलेशिया के साथ अपने रिलेशंस को साइड बाय साइड है वो करना शुरू कर दिया, और इसीलिए जो पाम ऑयल का इम्पोर्ट होता था वहां से उसको बंद है वो कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया अपना इडेबल ऑयल का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो बाहर से इंपोर्ट है वो करता है, और पाम ऑयल का हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो जो भी इडेबल ऑयल है उसमें 2/3 जो हिस्सा है वो अकेले पाम ऑयल का हिस्सा देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज यहाँ पे थी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में। देखो अभी रिसेंटली क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो जारी की गई है, और ये इसका सेकेंड एडिशन है वो जारी किया गया है। इसमें इंडिया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग है वो जारी की गई है। अब कौन से इंस्टीट्यूट, पब्लिक, प्राइवेट,
हायर एजुकेशन और डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सबको इसमें इंक्लूड है, वो यहाँ पे किया गया है। अब इसके कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, देखो 8 इंडिकेटर के बेसिस पे ये इंडेक्स है वो जारी किया गया है। कौन कौन से इंडिकेटर हैं? सारे 8 के 8 तो आपको याद नहीं रखने हैं, बस एक बार आप इनको नजर मार लेना। पहला तो है एकेडमिक रेपुटेशन, कि भाई इस यूनिवर्सिटी की, इस जो भी यहाँ संस्था है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, इसका वेटेज रहेगा 30%। इसके बाद में एम्प्लॉय रेपुटेशन कैसी है, जो यहाँ पे एम्प्लॉय है इनकी रेपुटेशन कैसी है, वो होगा 20% वेटेज। इसके बाद में यहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो कैसा है, इसी के साथ प्रोपोर्शन ऑफ स्टाफ विथ पीएचडी, यानी कि पीएचडी का स्टाफ स्टाफ कितना है और नॉन पीएचडी स्टाफ है वो कितना है। इसी के साथ ही हम और बात करें कि भाई कितने पेपर इसके द्वारा साल भर में पब्लिश किए जा रहे हैं, और हम बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल जो फैकल्टी है वो कितनी है यहाँ पे, और नेशनल फैकल्टी है वो कितनी है, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन कैसी है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स के आधार पे ये इंडिकेटर या जो इंडेक्स है वो रैंकिंग है वो जारी की गई है। तो इसमें जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, या दो दस हम बात करें कि टोटल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, इसमें 7 तो IIT के रहे हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे रहा है IISc बेंगलोर, ये आपको ध्यान में है वो यहाँ पे रखना है कि IISc बंगलोर नंबर 1 पे रहा है। फिर बाकी कुछ IITs वगैरह यहाँ पे हैं, और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी टॉप 10 में शामिल है, वो यहाँ पे किया गया है। तो ये थी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो फिलहाल की हमारी डिस्कशन इतना ही है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।